मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब एक महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में भिंड के वोटरों ने अपने जनप्रतिनिधियों के सामने अनोखी मांग रखी है। वोटरों का कहना है कि विधायक ऐसा चाहिए जो नौकरी नहीं तो कम से कम बंदूक का लाइसेंस तो बनवा ही दे। मध्य प्रदेश के चंबल में बंदूकों के लिए दीवानगी किसी से छिपी नहीं है, जिसमें भिंड जिला भी शामिल है। इसका अंदाजा चुनाव घोषित होने के बाद थाने में हथियार जमा कराने वालों की भीड़ से लगाया जा सकता है। भिंड विधायक से उम्मीद इतनी है कि कम से कम लाइसेंस तो मिल ही जाए, कचूनी मिलेगा, कोई नौकरी तो खत्म कर दे, सब प्राइवेट हो जा रहा है, निजीकरण पे, खेती किसानी पे कोई ध्यान नहीं है। काऊ चीज में मतलब कहूँ तक दूर दूर तक कोई चीज है ही नहीं। और अपने नेता से हमें जो उम्मीद है कि कम से कम एक लाइसेंस तो है ही जाएगा, रिवाल्वर या बंदूक को तो कितने सिक्योरिटी की नौकरी कर लेंगे। हमारे युवा, हमारे बेरोजगार भाइयों को यहाँ से एक रोजगार मिलता है, जो महानगरों में जाके एक हथियार और असलों के माध्यम से या बंदूक के माध्यम से आप यहाँ कह सकते हो उससे रोजगार मिल सकता है। पर यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो नेता हैं, वो इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। वो अपने केवल लगे हुए चमचों को ही देते हैं, जो केवल क्षेत्र में गुंडागर्दी पैदा करते हैं। बेरोजगारों को इस ओर कहीं कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस इलाके में बंदूक केवल सामाजिक रुतबे का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि रोजगार का बड़ा जरिया भी है। चुनावी मौसम में वोटरों की शस्त्र लाइसेंस की मांग को राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। नौकरी करने के लिए लोग हथियार मांगते हैं, वो जरूरत पड़ेगी तो बात की जाएगी मध्य सरकार से कि इनको व्यवस्था हथियारों की की। इस तरह की और भी अपडेट्स जानने के लिए नवभारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।